बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पचमणी आर्मी ट्रेनिंग सेंटर से राइफल्स और कारतूस चुराने वाले हरप्रीत समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्मी और मध्य प्रदेश की एटीएस टीम ने होशियारपुर के टांडा से इन्हें गिरफ्तार किया है। हरप्रीत खालिस्तान समर्थक हैं, ये लगभग 2 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान के सुपर पावर पाकिस्तान फेसबुक पेज को फॉलो करता है। पिछले गुरुवार रात को हरप्रीत सिंह पचमणी के उस ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचा और वहां पर तैनात गार्ड्स को चकमा देकर 2 इंसास राइफल और 70 कारतूस लेकर फरार हो गया था। हरप्रीत के साथ एक और शख्स था। इन दोनों आरोपियों को एक एटीएम के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। वहीं इस मामले में प्रेमिका का एंगल भी सामने आया है, साथ ही ये भी आशंका है कि ये मामला हनी ट्रैप से भी जुड़ा हो सकता है। तो जिस तरह से पचमणी के आर्मी ट्रेनिंग सेंटर से 2 इंसास राइफल चोरी हुई थी, उस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले का मुख्य आरोपी हरप्रीत एक जवान है और उसने जाकर वहां से राइफल चुराई थी, साथ ही 70 कारतूस भी चुरा लिए थे। तो इस मामले में बड़े खुलासे की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी है वो खालिस्तान समर्थक है और इसके तार, इस पूरे मामले के तार हनी ट्रैप से भी जुड़ने की बात सामने आ रही है। तो इन तीनों आरोपियों को पुलिस और एटीएस की टीम ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राधेश्याम दांगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राधेश्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है राइफल चोरी के मामले में, तो क्या कुछ अभी तक खुलासा हो पाया इस मामले में? देखिए, अभी तक एटीएस और होशंगाबाद पुलिस ने जो तफ्तीश की है, छानबीन की है, पूछताछ की है, उसमें ये पता चला है कि वो हरप्रीत नामक आर्मी जवान था और ये रामगढ़ स्थित पंजाब में सिख रेजिमेंट का जवान है और वहां 2 महीने से ये अनाधिकृत रूप से अवकाश पर है, ये भागा हुआ है और ये इसके पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं, जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की एक महिला से ये फेसबुक सोशल मीडिया के जरिए टच में था और उससे लगातार चैटिंग करते रहा। ये पुलिस को, एटीएस को, इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी भी मिली है कि ये इसके सिख आतंकवाद और पाकिस्तान से कुछ वैसे वैसे के जरिए ये काम करने वाला आर्मी जवान है और पुलिस एटीएस दोनों इसकी और बात जानकारी जुटा रही है कि कब से पाकिस्तान कनेक्शन इसके रहे हैं और किस तरीके से। मैं भी कई जिस तरह की जानकारियां तो शेयर नहीं की है, इस तरह की कोई वीडियो में लिख रहा है क्या, इन सब बिंदुओं पर अभी जांच की जा रही है। चलिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।